हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बट जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। सपना जी के बारे में बात कर रही हूँ और मैं आपको बता दूँ कि सपना जी से मेरी बात हो रही है। और पर ये होता है ना कि हम हर चीज़ को यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते क्या क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं या सारी चीज़ें, क्योंकि जो टाइम चल रहा है वो कैसा है वो आप सब जानते हैं। बट कुछ चीज़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या है कि थोड़ी देर पहले मेरी सपने से बात हुई थी और हमारी बात इंस्टाग्राम पे हुई थी। ये चैट भी है, मैं आपको दिखा दूँगी, स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो मैंने एक पिक्चर भेजी जो कि मैंने एक वीडियो देखा जो कि सपने दीदी के यहाँ पे मतलब उनके मायके का था। तो मतलब ऐसा लग रहा है देख के, ये आज की डेट पे कोई किसी का भी नहीं है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है। मैंने उनको वीडियो भेजा, मैंने कहा दीदी आप टेंशन मतलब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, मैंने कहा ऐसे टाइम पे हो सकता है शायद हमारे सामने वो चीज़ इसलिए आ रही हो कि हम थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, हमें पता चल जाए कौन कैसा है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो उनके अपने हैं और अपने क्या एकदम सगा खून है जिनको बोलते हैं माँ बाप, भाई बहन, हमारे अपने होते सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हमारे दुख में वो हमारे साथ में खड़े होते हैं। पर अगर वही वो चीज़ करें ना तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है चीज़ें। तो बस उसी चीज़ में मेरी सपना जी से बात हो रही थी और एक टॉपिक भी उठ रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कुछ कमेंट्स वगैरह भी मैंने जब वीडियो में देखे तो इतने कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो सपना जी के भी ऊपर आती हैं क्योंकि सपना दीदी की वो फैमिली है, उनकी ना ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। राजवीर भैया जो हम सबके बीच में थे, आप सब जानते हो, मैं जानती हूँ, सपना दीदी के तो सब कुछ थे, ठीक है, वो चले गए। उनके जाने के बाद में जो सपना दीदी को दुख है, वो उतना दुख मुझे ऐसा लगता है उनके मदर फादर को और सपना दी के अलावा और किसी को नहीं होगा। बट एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड मुझे दुख है, उनकी फैमिली को दुख है, एज अ व्यूअर आपको भी दुख है इन सब चीज़ों का। बट जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह, जैसे कि भैया वगैरह कर रहे हैं, मम्मी सब लोग वीडियो वगैरह में है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं यूट्यूब पे। अगर आप कर भी रहे हो ना तो प्लीज यूट्यूब पे मत डालो। मेरी चीज़ आती है ना, मैं बहुत दूर की उनकी, मैं एक दोस्त हूँ, बट आप तो एक फैमिली हो ना, इस चीज़ से मत करो जो कि सपना दीदी को बहुत हर्ट कर रही है चीज़ें। और सीसीटीवी फुटेज, ये सारी चीज़ें जो राजवीर भैया के साथ में हुआ, वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे डाल रहे हो, इस चीज़ को ज़रूरी है बोलना। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी बेटी अपनी बहन के लिए ऐसा मत करो और उनको सपोर्ट करो, उनको आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया ना सब चीज़ें देख रहे हैं ना, जो लोग भी देख रहे हैं ना, तो सब यही बोल रहे हैं कि कैसी फैमिली है सपना की, कैसे मायके वाले हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उनकी बेटी साथ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ हुई हैं। तो दीदी को संभालना चाहिए यार सब चीज़ों में, वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट है। मेरी बात हो रही है, पहले मेरी टेक्स्ट पे बात हुई, फिर मेरी कॉल पे बात हुई, एकदम रोई जा रही। और लाइफ में कुछ बचा नहीं है उनके, सिर्फ रोना। और मुझसे भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। समझ से बहुत जल्द मिलूंगी भी मैं, और मैं उनसे मिली या मैं मिलने जाऊंगी, सारी चीज़ें मैं व्लॉग नहीं बना के दिखाऊंगी सब चीज़ों का, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है। ऐसे टाइम पे मैं व्लॉग बनाऊं, ये सब चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि लोग मुझे कुछ भी बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर सपना दीदी के लिए मैं ये चीज़ बोलूंगी कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो चैनल पे भैया वगैरह का जो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपका ये जा रहा है कि व्यूज लेने की सारी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ इसमें साफ मतलबीपन दिख रहा है। और ये चीज़ें सारी चीज़ें सपना जी को खुद अपने चैनल पे डालनी चाहिए, वक्त आने पर, टाइम आने पर, जब थोड़ा सा वो ठीक हो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए, जब थोड़ा सा संभल जाएंगे उसके बाद में। बाकी मुझे नहीं लगता किसी और का राइट होता है इन सब चीज़ों को डालने का। बस मैं यही बोलूँगी, सारी चीज़ें उनको खुद अपने आप से बतानी चाहिए, ना कि कोई और बताना चाहिए। नहीं तो बताने को तो मैं भी बहुत कुछ बता सकती थी ना, मुझे क्या सारी चीज़ें पता नहीं है। बट एज अ फ्रेंड, एज अ छोटी बहन, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि सपना जी ने अपने चैनल पे आप लोगों को बताया है कि क्या हुआ था, और मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, और आज मैं अपनी चुप्पी तोड़ रही हूँ क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा बोला। बट खैर, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मेरी सपना जी भी मैटर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम मैटर करती है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है। और जो उनके सब लोग चाहने वाले, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो सब उनको इतना पसंद करते, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दुख है। बट कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप शिवी सपना के यहाँ नहीं गई, वो आपको इतनी अच्छी दोस्त मानती थी, आप छोटी बहन मानती थी, आप उनके यहाँ पे नहीं गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं सपना दीदी के यहाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मैं सपना दीदी के पास में गई,
उनसे मिल के आई। और रही बात ब्लॉग बनाने की, जिसने जिसने मुझसे बोला कि आपको वहाँ जाकर ब्लॉग बनाना चाहिए था, हमको दिखाना चाहिए था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा यूट्यूब का उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, और अगर होता भी तो मैं ये चीज़ कभी नहीं करती। ये चीज़ आप लोग मतलब बोल भी कैसे सकते हो ये चीज़ कि हम ये चीज़ करेंगे कि ब्लॉग बनाएंगे जाके, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा सपना दीदी से मैं मिल के आई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मुझे पता चला आई थिंक 4th मई को, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, सॉरी। तो एक्चुअली मेरे पास में सुबह सुबह कमेंट आता है जब मैं सो के उठती हूँ, और यथार्थ को मैं लिए थी, तो यथार्थ कल मैं सुलाई थी, दोबारा मैं सो गई थी, तो मेरे पास में कमेंट आता है कि क्या राजवीर भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो जस्ट रैंडमली मैं फ़ोन चेक कर रही थी, अपना कॉमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी, और जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा ठीक है, आया मैंने कहा कुछ भी, तो फिर मेरे को मन नहीं माना, मेरी मम्मी का कॉल आया, उन्होंने मेरे कमेंट देखा मेरे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं कह नहीं, अभी 2-3 दिन पहले तो मेरी बात थी सपना दीदी से, वो अपने गांव में थी, और वैसे हमारी रणनीति, वैसे हमारा क्या होता है कि 2-3 दिन में बात होती रहती थी, बट पिछले 3 दिन से मेरी बात नहीं हुई थी उनसे, क्योंकि वो अपने गाँव में थी, अपने मायके गई हुई थी, तो मतलब मैंने कॉल नहीं करी, तो फिर मेरी बात नहीं हुई। अभी क्या हुआ, फिर मैं कॉल लगा थी सपना दीदी को, तो सपना दीदी को मैंने जैसे कॉल करा तो उनके भाई ने पिक करा, और उन्होंने बोला भैया ने कि दीदी बहुत बुरा हो गया है। अभी मेरी एकदम से मतलब ये हो गया, मैं शॉक कि हाँ अगर ये बात सच है, और कमेंट भी कुछ ऐसे ही आया था कि भैया नहीं रहे ऐसा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मैंने कहा भैया बताओ आप हुआ क्या है, और मतलब ऐसे सोच के ना होता है ना, आप सुन हो जाते एकदम, को समझ में नहीं आता आप क्या बोलो कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि भैया नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कहा ठीक है मैं अभी आती हूँ, ठीक है। मैं घर पे आई, मैं मतलब कुछ भी नहीं समझ रहा, जिसको मैंने बताया अपने घर में मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा बंदा से सब लोग को पता चल गया अपने में। और फिर मैं जैसे ही जल्दी से मुझे को पता चला, मैं जल्दी से रेडी होकर और मैं सीधे सपना दीदी के गांव चली गई। यथार्थ को मैं मम्मी के पास में घर पे छोड़ के गई थी, क्योंकि बेबी को इतनी मतलब, क्योंकि हम लोग 1 बजे निकले थे दोपहर के टाइम पे, और रात के 10:30-11 बजे मैं ग्वालियर आई थी, तो मैं बेबी को लेके नहीं जा सकती थी वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत छोटा है तो वो परेशान हो जाता, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। तो मैं उसको छोड़ के मैं गई सपना दीदी से मिल के, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उस टाइम पे आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं वीडियो बनाती, व्लॉग बनाती, या फिर मैं वहाँ से लौट के भी आ गई थी तो मैं व्लॉग बना के नहीं दिखाती, ठीक है। और उसकी वजह से मेरे को लोगों ने इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला, मैं सारे लोगों के कमेंट्स चेक कर रही थी, सबके कमेंट्स में देखती जा रही थी, ऐसा नहीं था मैं कमेंट्स किसी के भी नहीं देख रही थी, बट मेरा सोचना ये था कि लोगों का तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे, बट हाँ काफ़ी सारे लोग उसमें ऐसे भी थे जो समझदार थे, और वो मुझे बोल रहे थे कि शिवी आप परेशान मत हो, उनको बोले दो। फिर 3-4 दिन से मेरी सपना से कोई बात नहीं हुई थी, वहाँ से आने के बाद में अंशु से मैं सारी अपडेट ले रही थी भैया से, तो मुझे को सारी चीज़ें पता थी। और उसके बाद में भी मैंने YouTube पे न्यूज़ देखी कि सपना दीदी के लिए कुछ गलत सलत न्यूज़ डाल दी थी, उसके बाद फिर मेरे पास में कमेंट आई थी कि अब सपना दीदी को क्या हो गया, उनके साथ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। और सपना दीदी का मतलब सच बता रही हूँ कि थंबनेल में ऐसा पिक्चर लगाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, वैसे भी बहुत वायरल ये सब चीज़ें रही हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा पिक्चर लगाया था, इतना गंदा पिक्चर लगाया था। तो मुझे वो देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने जस्ट वीडियो डाला कि जैसा भी आप मतलब सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, सपना दीदी के बारे में मतलब गलत गलत न्यूज़ फैला रहे हो। और बस मैंने और कुछ क्लियर नहीं करा, जस्ट मैं आपको एक क्लियर करा कि सब लोग के कमेंट्स आते कि प्लीज़ कुछ बताओ, तो मैंने कहा सिर्फ सपना दीदी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो खुद आगे बताएंगे। और मैं आपको बता दूँ, मेरा राइट नहीं बनता कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करने का, क्योंकि वो उनकी चीज़ है यार, वो उनका हक बनता है वो चीज़ें बताएं, मैं नहीं बता सकती हूँ, कैसे भी नहीं बता सकती हूँ। वो उनका राइट है कि वो सही टाइम आने पे उनको थोड़ा हिम्मत दीजिए, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा उनको संभलने की तो कोशिश करें, इतनी बड़ी चीज़ हुई है, वो खुद आगे सारी चीज़ें बताएंगी। बस मैं उसका वेट कर रही थी, अभी 2-3 दिन आई थिंक हो गया उन्होंने वीडियो डाल दिया है, बट उसके बाद में भी मेरा कोई वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगी, बट फिर भी लोग कमेंट कर जाए कि देखो तुम कैसी दोस्त हो, सपना ने वीडियो भी डाल दिया, तुम तो कुछ बता नहीं रहे हो, तुमसे पागल हो से पूछ रहे हैं, और इतने घटिया वाहियात कमेंट्स। कुछ कमेंट्स मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, पिछले जब मैंने आपको बोला था कि लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, तो मैं ऐसे गालियों का स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट अभी मैं आपको इतने सारे आपको कमेंट्स दिखा सकती हूँ, इतना वाहियात गंदा 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 लोग बोल रहे हैं, बट ठीक है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सपना दीदी से मेरी फिर 4-5 दिन बाद बात हुई, थोड़ी सी मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सपना दीदी ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा परेशान मत हो, अब जो हो गया है वो तो हो गया है, लोग तो बोलेंगे कुछ भी, मेरे साथ इतना बड़ा
चीज़ हो गई, इतनी गलत चीज़ हो गई है, उसके आगे सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको संभलने के लिए। और मैं जल्दी जा रही हूँ समृद्धि से मिलने के लिए, शिवप्री भी जाऊँगी मैं, क्योंकि वो शिवप्री आ चुकी है, इसलिए उन्होंने बोला है मेरे को किसी भी आना मेरे पास पे, तो मैं मिलने के लिए जाऊँगी। जब मैं गाँव गई हुई थी तो उनकी हालत वो नहीं थी, वो बेहोश हो जा रही थी, लिटरली वो बेड से नीचे गिर जा रही थी। उनका अभी ऑपरेट हुआ है बेबी 5 मंथ की ये भी, और वो चक्कर खा के मेरे सामने गिर जाए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लास्ट टाइम राजवीर भैया थे उनको संभालने के लिए, इस बार उन्हें संभालने के लिए कोई भी नहीं है, तो उन्हें खुद संभालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग हिम्मत नहीं देंगे तो उन्हें कौन हिम्मत देगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। और रही बात दुख की, तो वो मुझे कितना है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और जब ये हुआ उसके बाद में घर का माहौल ऐसा हो गया, मतलब सब बीमार से पड़ गए थे, इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं भी गुमसुम थी, घर में ऐसा माहौल हो गया था कि मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। उसके बाद में यथार्थ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, यथार्थ को ब्लड इन्फेक्शन हो गया और उसको 3 दिन लगातार फीवर आया 101 102, ठीक है, वो नीचे नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। 3 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या हो गया, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। फिर उसके बाद में सोचा कि नहीं, संभलना चाहिए, अपने घर को, फैमिली को, सबको देखना है और सपने देखो भी हिम्मत देनी है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी सारी चीज़ें, पर हम लोग को हिम्मत देनी पड़ेगी सपना देवी को, और बस ऊपर वाले से दुआ करनी होगी कि सब चीज़ें, वो जो भी चीज़ देखो हुई वो चीज़ हो गई, बट अब जो भी है उनको हिम्मत दे भगवान आगे बढ़ने के लिए, और हम सब हमेशा उनके साथ में हैं। और मैंने आपसे मेरे हमेशा बोला हुआ है कि मैं उनके साथ में हमेशा हूँ, उन्होंने मुझे छोटी बहन माना हुआ है, हमारा एज अ फ्रेंडशिप का रिश्ता था, बट हमारा एक अभी एक छोटी बहन बड़ी बहन का रिश्ता है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती मेरे लिए कि मैं यूट्यूब पे आके बोलूँ। तो इसलिए मैंने कुछ भी कैसा भी कोई भी वीडियो नहीं डाला हुआ था। मम्मी से ही मैं मिल के आई थी, सपना दीदी की मम्मी से, राजवीर भैया की मम्मी से, सबसे, और अभी शिवपुरी जाऊँगी मैं, आप लोग को उनसे मिलवाऊँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, चलो आप लोग का भी कंसर्न था कि सपना दी को दिखाओ उनकी हालत कैसी है क्या है, तो मैं सोची थी थोड़ा सा ठीक हो जाए, वो खुद आके चीज़ें बताएं वो ठीक रहता है, मैं नहीं बता सकती ऐसा, क्योंकि लोग फिर पता है क्या बोलते हैं व्यूज़ के लिए आके बताने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता है, मेरा अच्छा खासा फैमिली बिजनेस है हमारा, मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर इन लॉ का, हमारी जॉइंट फैमिली है, और आप लोगों ने हमारे ब्लॉग्स भी देखे होंगे, तो भगवान की कृपा से हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, तो YouTube का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा। और YouTube एक मेरा शौक है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ, और जब आपका एक शौक होता है उसके बाद में फिर आपको कुछ इनकम होने लगती है, तो ठीक है वो होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि YouTube ही सब कुछ है, ठीक है, रिश्ते पहले मेरे लिए सारी चीज़ें हैं। और जब भी मैं सपना लेके जाती हूँ मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, तो मुझे ब्लॉग नहीं बनाना, पर सपना लेके नहीं ब्लॉग बनाना, शिवी ब्लॉग बनाना, ठीक है, ये मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसा हमारा यूट्यूबर वाला रिश्ता कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाएं, और प्लीज़ सपना दीदी के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस मत बनाएं आप प्लीज़, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे, पर उनके भी आप, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, बहुत गंदा लगता है आप ऐसे थंबनेल टाइटल सपना दीदी के लिए भी डाल रहे हो आप लोग, कितनी गलत बातें हैं, प्लीज़ बाय।